हेलो एवरीवन वेलकम टू माय क्लास ऑर्डर थर्टी नाइन वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू बच्चे बिल्कुल फोकस करके सुनना है सिविल प्रोसीजर कोड नाइनटीन जीरो एट का ऑर्डर थर्टी नाइन नॉट ओनली फॉर द एग्जामिनेशन इंटरव्यू में एंड इन योर रेगुलर लाइफ यू शुड नो वट आर टेम्पररी इंजंक्शन एंड इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर्स राइट सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंजंक्शन से ओके okay. इंजंक्शन क्या होता है ये एक जुडिशियल ऑर्डर है ओके okay. जिसमें क्या होता है इन विच कोर्ट ऑर्डर एनी पार्टी कोई भी पार्टी हो इधर प्लेंटिव या डिफेंडेंट को इंजंक्शन ऑर्डर मिलता है थ्रू अ जुडिशियल सो इसमें क्या होता है टू डू पर्टिकुलर एक्ट और टू रिस्ट्रेंट फ्रॉम डूइंग अ पर्टिकुलर एक्ट तो दो तरीके के काम होते हैं या तो टू डू और नॉट टू डू Okay, या तो आपको कुछ करने के लिए ऑर्डर दिया जाता है या कुछ ना करने के लिए आपको रोक दिया जाता है ओके okay, सो so जो पर्टिकुलर एक्ट जो करना है टू डू वो क्या होता है मैंडेटरी इंजंक्शन आपको करना है समझ गए एंड नॉट टू डू इज मीन्स जनरली इसको क्या बोलेंगे हम ग्रांटिंग टेम्पररी इंजंक्शन इंजंक्शन इसको हम टेम्पररी इंजंक्शन की कैटेगरी में लेते हैं टेम्पररी इंजंक्शन इज इन फॉर्म ऑफ प्रोहिबिटरी इंजंक्शन मीन्स ज्यादातर ये नॉट टू डू दैट्स वाई प्रोहिबिटिंग प्रोहिबिटरी इंजंक्शन या यू कैन से इट्स अ प्रिवेंटिव इंजंक्शन रोकना प्रिवेंट करना समझ so, to do में आया बच्चे सो टू डू में यस यू हैव टू डू इसलिए हम इसको मैंडेटरी कैटेगरी में रखते हैं एंड नोट टू डू आपको नहीं करना ये प्रोहिबिटरी होता है ये थोड़े टेम्पररी टाइम के लिए होता है सो द प्रोसीजर ले डाउन फॉर ग्रांटिंग द इंजंक्शन इज फ्रॉम रूल वन टू टू इज बेसिकली फॉर टेम्पररी इंजंक्शन के बारे में हम हम पढ़ने वाले हैं इंजंक्शन के देखिए आपको टाइप समझ में आए हैं मैं एक बार फिर से आपको बता देती हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए दिस इज सपोज योर इंजंक्शन ओके इंजंक्शन को हमने दो बेसिस पर डिवाइड किया है फर्स्टली ऑन द बेसिस ऑफ नेचर एंड सेकेंड ऑन द बेस ऑफ टाइम तो अगर हम नेचर के बेसिस में देखें तो इट्स मैंडेटरी होता है एक और एक होता है आपका प्रोहिबिटरी रोकना जिसके लिए जो भी जस्ट मैंने बताया टाइम के ऊपर देखें तो वन इज टेम्पोररी एंड द अदर वन इज पैचुअल जो लॉन्ग टाइम के लिए और लॉन्गिविटी फॉर एवर के लिए होता है राइट अब आ जाते हैं हम टेम्पोररी और परपैचुअल की थोड़ी डिस्कशन में टेम्पररी में क्या होता है इट इज ग्रांटेड फॉर स्पेसिफाइड पीरियड कुछ टाइम के लिए टेम्पररी पीरियड के लिए परपैचुअल में फॉर लाइफ टाइम टेम्पररी में क्या होता है इट इज ग्रांटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्राइमा फेसी केस पूरा केस को पूरा जज करके नहीं जस्ट केस की थोड़ी जो स्टार्टिंग चीज है प्राइमा फेसी उसको पढ़ के एक टेम्पररी इंजंक्शन दे दिया जाता है बट परपैचुअल में इट इज ग्रांटेड ऑन द बेसिस ऑफ मैरिट दैट इज ऑन द फाइनल प्रपोजल ऑफ द सूट फाइनल जजमेंट जो आती है उसके बेसिस पे क्योंकि ये लाइफ टाइम के के लिए होने वाला है, forever के लिए होने होने वाला वाला है है अंडरस्टैंडिंग अब आ जाती है बात टेम्पररी में नेक्स्ट इज ऑब्जेक्ट इज टू मेंटेन द स्टेटस ऑफ द सब्जेक्ट मैटर और प्रॉपर्टी इन द इशू जिस चीज के लेकर इशू चल रहा है उस इशू का स्टेटस मेंटेन करने के लिए टेम्प्रेरी इंजंक्शन ग्रांट होता है ओके सपोज कीजिए ए और बी में कोई सूट चल रहा है और सूट किससे रिलेटेड है किसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड है ये बाई चांस ये प्रॉपर्टी है और इससे रिलेटेड सूट है तो ये सब्जेक्ट मैटर हो गया ए ने क्या है ए ने कोई डेट दिया है बी को पैसा दे रखा है उधार पे एंड ए थिंक कि प्रॉपर्टी इज द ओनली सोर्स ऑफ रिकवरिंग हिज डेब्ट जो ये प्रॉपर्टी है बी के पास सिर्फ इसी से ही मेरा पैसा वापस आ सकता है अदरवाइज बी के पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे मैं अपना पैसा रिकवर कर लूँ तो ए क्या करेगा ए कोर्ट में जाकर अप्लाई करेगा री इंजंक्शन टेम्पर इंजंक्शन क्या जो ग्राउंड दिए गए हैं आपको रूल वन एंड टू जो मैं अभी करवाऊंगी उनके बेसिस पे तो कोर्ट क्या करेगी इट विल इशू नोटिस नोटिस टू बी बी को एक इशू करेगी किस चीज़ का दैट इट विल डिसाइड अबाउट टेम्पररी इंजंक्शन बी को एक काइंड ऑफ नोटिस इसलिए नहीं कि आपके ऊपर लग गया कि अब आप इसको इंजंक्शन लगी आप प्रॉपर्टी को बेचेंगे नहीं या इससे दूर नहीं होंगे एलिनेट नहीं करेंगे नहीं बी की पॉइंट ऑफ व्यू सुनने के लिए ओके okay? मैंने बोला है जस्टिस इज सीन टू बी डन आप एकदम से किसी के ऊपर इंजंक्शन ऑर्डर नहीं लगा सकते सो so, उसको नोटिस दिया जाएगा उसके बाद कोर्ट डिसाइड करेगी कि टेम्परेरी इंजंक्शन देना है कि नहीं एंड इट मीन्स प्रेजेंस ऑफ बोथ द पार्टीज इज नेसेसरी बट इफ़ कोर्ट को ये लगता है कि डिसीजन बहुत ही अर्जेंट है और अगर डिले करने से किसी के जस्टिस हार्म होगा देन कोर्ट क्या करती है एकदम से शायद ये ग्रांट भी कर देती है इंजंक्शन बट ट्राई करती है कि दोनों पार्टीज मौजूद हो सो देर आर चांसेस ऑफ एक्स पार्टे टेम्पोर इंजंक्शन के चांसेस होते हैं और वो किस केस में होते हैं जब अर्जेंसी हो एक्स पार्टे टेम्पोररी इंजंक्शन राइट बट टेम्पररी इंजंक्शन एक बात याद रखिएगा जब कोर्ट एक्स पार्टी देती है इट हैज टू रिकॉर्ड द रीजन क्या होता है आफ्टर पासिंग एक्स पार्टी ऑर्डर फ्रॉम दैट डेट टू थर्टी डेज कोर्ट विल अगेन पास बाय पार्ट ऑर्डर ठीक है फिर बाय चांस कुछ दिन के बाद यह नेक्स्ट डे ही पार्टी प्रेजेंट हो जाती है कोर्ट में तो उस एक्स पार्टी को बाय पार्टी डिसीजन में कन्वर्ट कर दिया जाता है राइट right, बच्चे आपको समझ में आ रहा है इंटरव्यू क्वेश्चन एक बार पूछा गया है जैसे बाय चांस कि इफ एनी इंजंक्शन और स्टे ऑर्डर कम्स टू यू आपके पास आ गया एंड बिफोर पासिंग इट डू यू हैव एनी कोर्ट गाइडलाइंस और नोट क्या आपके पास कोई गाइडलाइन आती है देखिए आंसर आपने देना है यस yes. हमारे पास एक केस था गुजरात बोटलिंग कंपनी वर्सेस कोका कोला लिमिटेड बहुत इंपॉर्टेंट केस रहा है और इसमें चार गाइडलाइंस दी गई थी क्या दी गई थी फर्स्ट द प्राइमा फेसी केस मस्ट बी इन फेवर ऑफ एप्लीकेंट बाई एग्जामिन द डॉक्यूमेंट्स एंड प्लीडिंगन कोर्ट में ग्रांट इंजंक्शन ठीक है जो प्राइमा फेसी केस हो वो उसी पार्टी के हक में चल रहा हो और उसके सारे एग्जामिनेशन के बाद आप इंजंक्शन ग्रांट कर रहे हो सेकेंड इफ कोर्ट फाउंड की दैट एट द टाइम ऑफ एग्जामिन एप्लीकेशन जो एप्लीकेंट है ही वुड सफ़र इम्पेरेबल लॉस उसको बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है सो एनी लॉस विच कांट बी कम्पनसेटेड इन टर्म्स ऑफ मनी जो मनी के में नहीं कंपनसेट हो पाएगा क्योंकि अगर मनी में होगा तो शायद बाद में उसको वहाँ से कम्पनसेशन मिल जाए लाइक like, कुछ इमोशनल कनेक्शन हो अटैचमेंट हो इस तरीके का देन कोर्ट विल एग्जामिन तो ये दो पॉइंट समझ में आए एक प्राइमा फेस उसके हक में हो सेकंड उसको इिपेरेबल लॉस होगा थर्ड पॉइंट जो ध्यान में रखनी है कोर्ट परमिशन ऑफ इंजंक्शन देन वट वुड बी द इफेक्ट ऑन ऑपोजिट पार्टी वेदर ही विल सफर एप्लीकेंट वुड सफर द इनकन्ियंस और जिसको भी इनकन्वीनियंस या लॉस ज्यादा होगा उसके ही फेवर में डिसीजन आएगा जिसका पलटा भारी रहेगा राइट तो ये भी एक गाइडलाइन थी इंजंक्शन ग्रांट करने से पहले तो आपको ये केस ध्यान में रखना है गुजरात बोटलिंग कंपनी आई एम राइटिंग हेयर गुजरात बोटलिंग कंपनी वर्सेस कोका कोला लिमिटेड याद रहेगा बच्चे और इसमें गाइडलाइंस आई थी ठीक है तो बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस देखना पड़ता है फॉर टेम्पररी इंजेंशन देयर मस्ट ऑलरेडीड कोई सूट होना चाहिए एंड नो न्यू सूट कांट बी इंस्टीट्यूटेड फॉर ग्रांट ऑफ टेम्पररी इंजेंशन आपको एकदम से कुछ आइडिया आता है आप इंजेंशन करवाना चाहते हो तो आपने बाई चांस कोई नया सूट इंस्टीट्यूट कर दिया देट विल नॉट बी काउंटेड इन टेम्प्रेरी इंजंक्शन ग्रांट करने में राइट फोर्थ पॉइंट फोर्थ गाइडलाइन इस केस की क्या रही थी कि एप्लीकेट मस्ट कम क्लीन हैंडेड बिफोर द कोर्ट मतलब उसने कोई गुन्हा ना किया हो ये ना हो कि मेरा तो गुन्हा थोड़ा है एज कम्पेयर टू अपोजिट पार्टी नो यू शुड बी क्लीन हैंडेड बिफोर द कोर्ट एंड इन गुड फेथ एप्लीकेशन कैन बी इंस्टीट्यूटेड ईदर बिफोर द जजमेंट और आफ्टर द जजमेंट फ्रॉम डिग्री पीरियड टू एग्जीक्यूशन तक के बीच में जो टाइम लगेगा उसके बीच में भी आप एप्लीकेशन डाल सकते हो किस चीज की टेम्पररी इंजंक्शन की थी। ठीक है आप सेक्शन 94 जरूर रीड कीजिएगा बच्चे दैट्स योर होमवर्क दैट इज रिलेटेड टू टेम्पररी इंजंक्शन अब आ जाइए बात करेंगे हम इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर्स टेम्पररी इंजेक्शन आई होप यू अंडरस्टूड इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर्स में क्या है दीज आर ऑर्डर्स दैट आर इशूड बाय द कोर्ट वाइल केस इज स्टिल ऑन गोइंग ठीक है दे आर नॉट फाइनल ऑर्डर्स तो ये याद रखिएगा नॉट फाइनल ऑर्डर बस ये कौन से ऑर्डर है जब सूट चल रहा है और उसके बीच में कोर्ट को अगर लगता है कि ये ऑर्डर देने की जरूरत है नीड है फॉर द टाइम बिंग नाउ तो वो ऑर्डर दिए जाना रूल सिक्स में बात की है द सिंप्लीफिकेशन्स ऑफ रूल आर जैसे एप्लीकेशन बाय एनी पार्टी किसी पार्टी ने एप्लीकेशन डाली कि आप प्लीज़ इतना ये ऑर्डर दे दीजिए दूसरी कोर्ट को या कोर्ट में ऑर्डर द सेल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी कि आप जल्दी से इसको सेल कीजिए बाय एनी पर्सन नेम्ड इन सच ऑर्डर मूवेबल प्रॉपर्टी बींग सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट और अटैच्ड बिफोर द जजमेंट मूवेबल प्रॉपर्टी जरूर होनी चाहिए सेल से रिलेटेड होनी चाहिए किसी ने एप्लीकेशन डाली है विच इज़ सब्जेक्ट टू स्पीडी एंड नैचुरल डिके और फॉर एनी अदर जस्ट एंड सफिशेंट कॉज ठीक है जिससे कि नुकसान हो सकता है और उसकी स्पीडी ट्रीटमेंट चाहिए ठीक है सो so, इसमें क्या बोला गया ऑन एन एप्लीकेशन बाई एनी पार्टी टू द सूट द कोर्ट इज इम्पावर टू कोर्ट के पास पावर है टू मेक एन ऑर्डर फॉर डिटेंशन करने की प्रिजर्वेटिव जो उसके पास है उन चीज़ों की इंस्पेक्शन करने की इफ़ एनी प्रॉपर्टी विच इज़ सब्जेक्ट मैटर ऑफ सच सूट वो प्रॉपर्टी ऐसी है फॉर एग्जाम्पल कोई खाने से रिलेटेड ईटेबल्स हैं हमारे ठीक है इफ़ देयर आर एनी स्वीट शॉप मिल्क है तो ये हमारे ईटेबल्स में आते हैं और ये डिके हो रहे हैं तो इनसे रिलेटेड एक जल्दी ऑर्डर लेना पड़ता है फॉर ऑल और एनी अफोर्स परपज या ऑथोराइज एनी पर्सन टू एंटर अपॉन इंटू एनी लैंड और बिल्डिंग इन पोजेशन ऑफ एनी अदर पार्टी टू सट सूट एकदम से आपको किसी के घर में जाना है या वहाँ की इंस्पेक्शन लेनी है या कुछ सर्च आउट करना है तो ऑर्डर चाहिए ऑथोराइज एनी सैंपल टू बी टेकन जैसे मैंने अभी बताया इटेबल्स का सैम्पल मिल्क का सैंपल चाहिए ऑब्जर्वेशन मेड और एक्सपेरिमेंट टू बी ट्राइड विच ओनली सीम एक्सपीडियंट और नेसेसरी फॉर दैट एविडेंस बाई चांस कोई मेडिसिन से रिलेटेड सूट चल रहा था उस मेडिसिन के ट्रीटमेंट को चेक करना उसके केमिकली प्रोडक्शन को चेक करना ये सब ऑर्डर्स ऐसे हैं जो आपको एट द मोमेंट चाहिए होते हैं और इनको हम बोलते हैं इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर मीन्स ड्यूरिंग द प्रोसेस गोइंग ऑन प्रोसीडिंग्स गोइंग ऑन फाइनल ऑर्डर नहीं होते हैं बट ये ड्यूरिंग द सूट आपको लेने पड़ते हैं राइट इमीजिएट पोजेशन ऑफ लैंड बींग सब्जेक्ट मैटर ऑफ सूट बाई चांस इफ़ सूट से रिलेटेड कोई ऐसा केस है जिसमें इमीजिएट पोजेशन ऑफ लैंड चाहिए तो वो क्या है पार्टी उस लैंड के पोजेशन में होनी चाहिए और वो पार्टी नेग्लेक्टिंग टू पे द गवर्नमेंट रेवेन्यू या गवर्नमेंट को टैक्स नहीं पे कर रही है और सब्सिक्वेंटली सच लैंड इज ऑर्डर टू बी सोल्ड उस पर ऑर्डर लग जाएगा सेल का सो एनी अदर पार्टी क्लेमिंग इंटरेस्ट इन सच लैंड या उस लैंड में किसी और पार्टी का इंटरेस्ट है बी पुट इन इमीजिएट पोजेशन आफ्टर पेइंग रेंट और रेवेन्यू वो जैसे ही उसका रेंट दे गवर्नमेंट को उसको वापिस उस पोजिशन में डाल दे कि वो उसके इंटरेस्ट इंजॉय करे राइट right? ऐसे ही आपका रूल टेन है डिपोजिट ऑफ मनी इन कोर्ट बाई चांस देर इज अ नीड कि अभी ही तुरंत आपको अपनी सिक्योरिटी जमा करवानी है या मनी डिपोजिट करवानी है या अदर पार्टी के ऊपर आपका डेट चार्ज हो रहा है और आपको उसको पे करना है तो ये भी ऑर्डर दे सकती है तो अब आपको समझ में आए इंटरलोक्यूटरी में कौन से होते हैं बाई चांस किसी का किसी भी प्रोडक्ट का सैंपल लेना है कोई टेस्ट करना है कोई प्रोसीजर चेक करना है कुछ एग्जामिनेशन करना है या फिर कोई प्रोडक्ट ऐसा है जो डिके हो रहा है तो उसकी तुरंत सेल करवानी है या कोई प्रॉपर्टी ऐसी है जो कोई बेचने की फिराक पे हैं बट उसके ऊपर टैक्स गवर्नमेंट टैक्स या रेवेन्यू लगा है और आप पे नहीं कर पा रहे हैं सो ऑल दीज विल

डोट ट कन्फ्यूज लोग इन दोनों टॉपिक्स में इंटरलोक्यूटरी को इंजेक्शन मान लेते हैं और इंजंक्शन को इंटरलोक्यूटरी मान लेते हैं सो आप नेम से ही इंजंक्शन एंड इंटर इन मिड टिल देन हैव अ गुड डे कीप इंजॉइंग कीप शेयरिंग एंड कीप वॉचिंग दीडियो गोइंग ऑन कीप सपोर्टिंग थैंक यू